What's up everyone, welcome back to the channel. और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक न्यू सीरीज. क्लास 12th की हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज सीरीज अभी चलाई थी, जो कि जस्ट कल ही हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का पार्ट ए कंप्लीट करा, क्योंकि क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज के दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर्स हैं एंड सेकेंड पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं, टोटल 12 चैप्टर्स हैं. और हमने लास्ट 15 डेज में उनका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया. तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था और बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ सीरीज टाइप बनाया जाए. और अब क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरलीज बिल्कुल सितंबर में होंगे और अगस्त का ऑलमोस्ट मिड आ चुका है, तो आई थॉट कि चलो भाई अब क्लास 11th के लिए काम करते हैं और आप लोगों के लिए दबा के पढ़ाई करते हैं इस आने वाले 15 डेज के अंदर. तो अगस्त में जितना भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर मेरा फोकस मेनली क्लास 11th पे रहने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे. बट फॉर नाउ आज का जो अनाउंसमेंट है वो है स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स की सीरीज को लेके हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, तो बिना समय को वेस्ट करे हुए देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है. लेट्स बिगिन. तो गाइस वीडियो में मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लव एंड सपोर्ट, फॉर योर लवली रिस्पॉन्स. इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है ऑन द वीडियोस, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं ना उनको पता होता है कि व्हाट वी डिड इन क्लास 11th, इस वजह से उनका रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली अच्छा होता है. बट तुम लोग 10 टू 11th एक नए फेस में आते हो और सबको नहीं पता होता कि क्लास 11th में कौन कौन से टीचर्स हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं. तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू और मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग को अच्छा लगा होगा. तो कुछ बातें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, फिर मैं आप लोगों को क्लास 11th की आपकी स्टैटिस्टिक्स की न्यू सीरीज के बारे में बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिजनेस स्टडीज़ की हमारी लास्ट ईयर के लेक्चर्स हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो. कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं जिसकी वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी करी हुई है, स्टिल मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लो वो कौन से टॉपिक्स हैं और आपको वो नहीं पढ़ने. उन्हें छोड़ के आप सभी टॉपिक्स लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो, इट विल श्योरली गोना हेल्प यू ऑल. उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, अकाउंटेंसी में भी इसी तरीके से लास्ट ईयर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी थी जिसकी प्लेलिस्ट है. कुछ वीडियोस प्राइवेट हो गई थी बिकॉज ऑफ साउंड इश्यूज, तो वो नहीं है. बट स्टिल जो इस साल की नई हम लोग सीरीज बना रहे हैं अकाउंट्स की, उसके अंदर जर्नल तक हम लोग पहुंच चुके हैं. बड़े चैप्टर्स जो 3-4 बचे हैं वो भी मैं इसी मंथ में पूरी करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों को कंटेंट अकाउंट्स का मिलता रहेगा ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इस मंथ में इको पे रहने वाला है, क्योंकि इको मेरा काफ़ी पेंडिंग चल रहा है. तो BST इज अपलोडेड फॉर फ्रॉम लास्ट ईयर प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो. और अकाउंट्स जो है वो हम लोगों का चलता रहेगा फ्रीक्वेंट बेसिस पे. इस मंथ में आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे. अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की. तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक एक रह रहा है, वो मैं अपलोड कर दूंगा तो आपका काम हो जाएगा. नाउ व्हाट इज न्यू, हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 10-day 10-chapter सीरीज. 10 days के अंदर अंदर हम लोग कवर अप करेंगे 10 chapters ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी आपको डेली बेसिस पे एक चैप्टर मिलेगा. एज यूजुअल जो हमारा ट्रेडमार्क है या जो हमारा वे ऑफ डूइंग वर्क है, जैसे हम करते आए हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना और आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसको करने के बाद आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो. हाँ, जिन टॉपिक्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस पर मैं टाइम लगाऊंगा, बट जिन पे नीड नहीं है मैं नहीं समझता उन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है. क्योंकि हम लोग एक ऐसे ज़माने में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से ऐसी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि हम और स्किल्स पे भी काम कर सकें, रादर देन कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. ऐसा नहीं है. तो अगर तुम लोग सारा टाइम पढ़ाई पे लगाओगे तो मैं समझता हूँ तुम लोग और स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाओगे. तो और स्किल्स पे भी समय दो, सीखो नई चीज़ें, एक्सप्लोर करो नए एरियाज को, और पढ़ाई भी इस तरीके से करो कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं. तो वही मेरा मोटो रहता है, वही मेरा टारगेट रहता है, तभी तुम लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे. तो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 10 days में 10-day 10-chapter स्टैटिस्टिक्स के, जो कि डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे. अब इवनिंग में 8 o'clock तो 12th की बिजनेस स्टडी सीरीज चल रही है, तो तुम लोगों की सीरीज का वीडियो का हम लोग टाइम रखेंगे 4 o'clock, यानी कि 4 o'clock इवनिंग में आपका जो स्टैटिस्टिक्स का वीडियो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो. चैप्टर नंबर 2 की भी एक वीडियो अपलोडेड है, सेकंड वीडियो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपको देखनी है और अच्छे से चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर कर लेना है.
तो आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आज में आप लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर कर लो और चैप्टर नंबर 2 का जो एक पार्ट डाला हुआ है वो देख लो। कल इवनिंग में आपको चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट मिलेगा जो कि फाइनल पार्ट होगा। इसके बाद अगले आने वाले 8 दिनों में मैं आपको 8 चैप्टर्स कराऊंगा इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल पोर्शन एज वेल एज थ्योरी पोर्शन। तो जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी कवर हो जाएंगे। इस तरीके से मैक्सिमम 25th ऑफ अगस्त तक हमारी स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी जो तुम्हारी हाफ ईयरलीज में आने वाली है। बचेंगे 2-3 चैप्टर्स, वो फाइनल्स में आएंगे तो वो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। अभी का मेन फोकस हाफ ईयरलीज के ऊपर है। माइक्रो का जो पार्ट बचा है वो मैं साथ कवर करूंगा। उसके साथ 25 के बाद अगस्त में भी 7 दिन और बचेंगे, उसमें मैं माइक्रो जो बचा होगा वो भी कवर अप कर दूंगा ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम आए ना। इकोनॉमिक्स हो गया, अब इसके बाद क्या बचता है, बिजनेस स्टडीज, वो मैंने बता दिया, ऑलरेडी अपलोडेड है। अकाउंटेंसी मैं फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम करूंगा, देखो डेली नहीं बोलता बिकॉज मुझे अल्टीमेटली तुम सबका देखना है, मुझे 11th का भी देखना है, मुझे 12th का भी देखना है, मेरे पर्सनल काम भी होते हैं। तुम लोग को पता है मैं लॉयर बाय प्रोफेशन, तो मेरा अपना ऑफिस का वर्क भी होता है, मुझे स्कूल में भी पढ़ाना होता है, मेरे सिटी में जो मैं पर्सनल ट्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ वो भी है, ऑनलाइन कोर्सेज मेरे बच्चों ने जो लिए हुए हैं मुझे उनको भी रेफर करना है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन मी, मुझे अकेला इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अभी तो थैंक्स टू द गॉड कि वो मुझे इतनी पावर देता है, विल पावर देता है, तुम लोगों का प्यार मिलता है तो मैं कर पाता हूँ, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं मिलता इतना काम करने के लिए। और फिर तुम लोग को पता ही है मैं फिर दिन रात कुछ नहीं देखता हूँ, जब करना है तो करना है। अब अगर हमने ठान लिया कि हमें काम करना है तो हम डेफिनेटली करेंगे और इस मंथ को बहुत बहुत बढ़िया बनाएंगे फॉर क्लास 11th। क्लास 12th साथ साथ चल ही रहा है, तुम लोग अगर क्लास 12th से हो, तुम लोग ये देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जूनियर्स को बताओ कि हाउ वी वर्क, कैसे हम लोग काम करते हैं और कितना हम लोगों ने लास्ट ईयर भी क्लास 11th के लिए करा था। तुम लोग अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो पिछले साल की 11th की प्लेलिस्ट देखो, कितनी वीडियोस पिछले साल क्लास 11th की गई हैं, और उसी प्यार का नतीजा है कि आज हमारा चैनल एक ऐसी पोजीशन पे स्टैंड करता है जहां इंडिया में हर बच्चा हमें जानता है। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम लोग इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर्स हो। अब फिर से तुम लोगों को यही करना है, इस स्टैटिस्टिक सीरीज में बहुत अच्छे से सबने साथ देना है, सबको बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छे से मेरे साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं फिर से यही कहूंगा, मैं 12th में भी यही बोलता हूं कि ये सीरीज मेरी नहीं है, ये सिर्फ हमारी है, तुम्हारी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, ये हमारी है। हम सब मिलके हार्डवर्क करेंगे और डेफिनेटली आने वाले 10 डेज में इको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके साइड में रखेंगे। बिजनेस स्टडीज साथ साथ चलाओ और अकाउंटेंसी हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो दिस इज द वे हाउ वी विल गोना बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। उसके बाद देखते हैं कुछ और नया, जैसे तुम लोग बोलोगे जो तुम्हारी डिमांड होगी वो हम पूरा करेंगे डेफिनेटली। हाफ ईयरलीज में मैं तुम लोग के साथ हूँ, जब भी तुम्हारे हाफ ईयरलीज होंगे 5th, 10th, 15th सितंबर, तो लेट मी नो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं देख लूंगा कि किस, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई बार मिस हो जाता है मैसेज, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता सबको, यू कैन अंडरस्टैंड, इतने सारे बच्चे हैं, अब मैं इंडिविजुअली सबको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ मैं रीड डेफिनेटली कर लेता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी एग्जाम की डेट जरूर बताना कि इस डेट से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इतने इतने दिन हैं, तो मोस्टली जितने दिन होंगे मैं उसी हिसाब से तुम्हारी एग्जाम स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा कि आपके अगर 3 डेज की छुट्टी मिली है तो हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन जस्ट 3 डेज। इस तरीके की आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, गुड एज वेल एज बैड, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा ताकि तुम लोग वो गलतियां ना करो जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, इवन मैंने अपनी स्टडीज में करी थी। दिस इज द एम, दिस इज द मोटो ऑफ दिस चैनल, इसी पर्पज के लिए चैनल बनाया गया था कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम सॉर्ट आउट कर पाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ कन्फ्यूजन्स थे क्लास 11th को, थोड़ा सा बच्चे मेरे से नाराज़ भी थे कि मैं 11th के लिए काम नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली मेरे लिए 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए 12th है वैसे ही मेरे लिए 11th भी है। उनके लिए हमने इतना कुछ करा है तो आपके लिए भी डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे। तो हम सब मिल के वी आर अ फैमिली, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, और बहुत कुछ हम लोग करेंगे और डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे और दूसरों को भी हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनने में। तो मेक श्योर टू लाइक द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना, और हाँ सभी बच्चों के साथ जो भी क्लास 11th के हैं सब तक इस वीडियो को पहुंचाना, उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से तुम लोगों को हो सकता है अभी हमारे चैनल के बारे में पता लगाओ, मेरा नहीं है हमारा चैनल है, तो अभी शायद हमारे चैनल के बारे में पता लगाओ, ऐसे बहुत सारे और बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो सभी लोग उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा दो। मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इन्हीं वीडियोस के लिंक्स वगैरह डालता रहता हूँ, वो उसके साथ कुछ और मार्कशीट्स वर्कशीट्स वो सब हम लोग अपलोड करते हैं, तो दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू आउट ऑल। डेफिनेटली मिलते हैं बहुत जल्दी। होमवर्क क्या है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये प्रिपेयर करना है आज ही।
कल चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे और फिर अगले 8 दिन में 8 चैप्टर और करना है तो करना है। थैंक यू सो मच गाइस।